साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य सीरीज जो शुरू की गई है इन दिनों में, उसमें आपका तीनों सिंधी भाषा के युवा और वरिष्ठ रचनाकारों का मैं अकादमी की ओर से अभिनंदन करता हूं। और इससे पूर्व में हम सिंधी कहानियों का भी एक कार्यक्रम रिकॉर्ड करके प्रसारित कर चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी कविताएं इस समय में लोगों के लिए एक नई उम्मीद और नई ऊर्जा का संचार करने वाली होगी। और हम इस मंच के माध्यम से सिंधी साहित्य को, उसकी कविताओं को, उसकी रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने की एक सफल कोशिश से जुड़े हुए हैं। मैं आज के जो तीन सिंधी भाषा के रचनाकार हैं हमारे पास, जो हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश असुलानी जी वो नागपुर से हैं, भारती सदारंगानी जो कि हमारे साथ कच्छ आदिपुर से जुड़ी हैं, और कानेओ सेवाणी जी जो हमारे बीच भोपाल से अपनी कविताओं के साथ उपस्थित हैं। मैं तीनों रचनाकारों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले क्योंकि युवा रचनाशीलता को प्राथमिकता में रखना चाहिए, मैं सबसे पहले भारती सदारंगानी जी उनके संक्षिप्त परिचय के साथ उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, जो कच्छ आदिपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सिंधी भाषा की युवा कवित्री हैं और लेखिका हैं, आपके एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ है जिस पर साहित्य अकादमी की ओर से युवा पुरस्कार से भी आपको 2016 में सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही आपको गुजरात राज्य साहित्य अकादमी का युवा गौरव पुरस्कार भी आपको मिला हुआ है। आप वर्तमान में आदिपुर के लिए कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी भाषा के रूप में कार्यरत हैं। भारती जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज के इस कविता पाठ कार्यक्रम के आरंभ में अपने चुनिंदा सिंधी कविताओं का पाठ करें। भारती जी। धन्यवाद ओम जी। मानवारा भाव ओम नागर जी, कृष्णा जी, राजेश जी, शेवाणी जी, अवांखे इन कार्यक्रम के माणींदड़न के मुझो नमस्कार। साहित्य अकादमी की थोराइती आया जो मुख्य इन कार्यक्रम में हिस्सो बणजन जो भज दिनौ। कोरोना जैसी महामारी के विच इन तरह जा अदबी मेड़ सचपच जीण की ए हालात से दुबदो थियण की हिम्मत दियन था। हाँ मैं पैंजो कुछ कविताओं तवाज अग् पेश क्या थी। मुझी पहली कविता जो उन्वान है घरवन। घरवन छोकरी चाउंट ते न भी, घरवन छोकरी चाउंट ते न भी, रस्ते ते न भी, गाड़े ते न भी, स्कर्ट पाई थी तो उनजी देग जो ख्याल रख, स्कर्ट पाई थी तो उनजी देग जो ख्याल रख, साड़ी पाई थी तो पलव के चेल सा वेड़े छ, साइकिल जी घंटी खा हाथ परे कर, साइकिल जी घंटी खा हाथ परे कर, कार हलाई थी तो खबरदार जो लाउड म्यूजिक हलायो थे, गुनगुनाई थी तो याद रख, गुनगुनाई थी तो याद रख, वो बेशर्म गानो चपन ते ना अचे, दिल विल वारो गीत अज भी मना आहे तो लाए, दिल विल वारो गीत अज भी मना आहे तो लाए, दिल लगाणी अथई तो उन मालिक सा लगाए या पैने धड़िया सा लगाए। छोकरी सब नियम याद रखे थी, लगभग सब नियम पाले थी, छोकरी सब नियम याद रखे थी, लगभग सब नियम पाले थी, नियम तोड़ण ते घबराए थी, नियम तोड़ण ते घबराए थी, नियम पालन ए सजा कबूल करण जे विच सजा जेड़ो जीवन काटे थी। हर नियम तोड़ण ए सजा पाइण खां पोए रात जो सुटकंदे नोटबुक में कुछ लिखनी हुई पैनी धीअ जे लाइ। हर नियम तोड़ण ए सजा पाइण खां पोए रात जो सुतने नोटबुक में कुछ लिखनी हुई पैनी धीअ जे लाइ। माओ जे मरण खां पोए कबट मां उन जा पातल कपड़ा कढ़ने धीअ उहा नोटबुक बचाए वरती हुई। रात जो सभिनी खां लिकाए पढ़ण लगी, रात जो सभिनी खां लिकाए पढ़ण लगी, नोटबुक में लिस्ट हुई सभिनी नियमन की, नोटबुक में लिस्ट हुई सभिनी नियमन की, सभिनी सजाउन जी भी लिस्ट ऐ पछाड़ीअ में सिटू हुयूं तू मूं वांगुर कमजोर न थिजे, पछाड़ीअ में सिटू हुयूं तू मूं वांगुर कमजोर न थिजे जी, तू पंहिंजे जीवन जा के पल पंहिंजी मर्ज़ीअ सां ज़रूर मानजांइ, तू पंहिंजे जीवन जा के पल पंहिंजी मर्ज़ीअ सां ज़रूर मानजांइ,
तू घर खां बाहर भी बन जाए तो हिनन मां के नियम जरूर तोड़ जाए हिनन मां के नियम जरूर तोड़ जाए तो मुआंगुर कमजोर न थी। मेहरबानी अमी जी बी कविता जो सिरो आहे चाबी चाबी घर मोटी घर मोटी अचण ते हॉस्टल भी टुकरन में मुझे पुठियां लिखी हलियो ईंदो आहे घर मोटी अचण ते हॉस्टल भी टुकरन में मुझे पुठियां लिखी लिखी हलियो ईंदो आहे स्टील के दबे में बचल खुराक की चकी जेका मुझी माओ के फिक्रमन करे छी तो छोकरी कुछ खाए कान थी अन्या डरी वई आहे डाइनिंग टेबल ते खादो खाईंदे मुझी कुर्सी में लिकल मेस की उहा चिबी प्लास्टिक कुर्सी जेका गवाह हुंदी आहे खिल चर्चन शिकायतुन ऐं झूरन उन लॉकर जी डुप्लीकेट चाबी बि जेको पहिरियों भेरो पंहिंजी असली चाबी गुम थियण ते दुखी थी पर पोइ हिरी वियो आहे डुप्लीकेट चाबियुनि ते उन लॉकर जी डुप्लीकेट चाबी बि जेको पहिरियों भेरो पंहिंजी असली चाबी गुम थियण ते दुखी थी वियो हो पर पोइ हिरी वियो डुप्लीकेट चाबियुनि ते घरां हॉस्टल मोटंदे माउ जी गिराकड़ीअ सां गॾु वधियल हॉस्टल फी जो लिकायल रखियल वेड़ियल टेड़ियल नोटिस ते वापसि हॉस्टल अची वेंदो आहे घरां हॉस्टल मोटंदे माउ जी गिराकड़ीअ सां गॾु वधियल हॉस्टल फी जो लिकायल रखियल वेड़ियल टेड़ियल नोटिस बि हॉस्टल वापसि मोटंदो आहे इहो यादि ॾियारण लाइ त पार्ट टाइम कमु ॻोल्हणो आहे इहो यादि ॾियारण लाइ त पार्ट टाइम कमु ॻोल्हणो आहे पप्पा खे वधीक परेशान न दीवार ते टंगियल लाचार शींहन जा सिर दीवार ते टंगियल लाचार शींहन जा सिर शोकेस में कोकन सां कैद कयल पोपट तस्वीरुनि में बंद थियल इंसानी सभ्यता जा शानदार लम्हा हर म्यूज़ियम साॻियो नए म्यूज़ियम जे सैर लाइ अॼु मां वठी वियसि शागिर्दनि नए म्यूज़ियम जे सैर लाइ अॼु मां वठी वियसि शागिर्दनि खे इंसानी म्यूज़ियम में हर तरफ़ इंसान ई इंसान हुआ हर तरफ़ इंसान ई इंसान हुआ अलॻि अलॻि पहिराव में हारी हर हलाए रहियो हो मुहाणो मच्छनि लाइ ॼार विझी रहियो हो वाढो काठ घसे रहियो हो ऐं धोबी नदीअ ते कपिड़ा धोई रहियो हो ओड़ी हथ करगे ते कपड़ो उणी रहियो हो त मोची चमड़ो चिमकाए रहियो हो ऐं धनार रिढुन बकरियुनि सां गॾु वञी रहियो हो ॿार अजब में हुआ त इहे सभु केरु आहिनि ॿार अजब में हुआ त इहे सभु केरु आहिनि असांखे डाइनिंग टेबल ते मल्टीग्रेन रोटी मिलंदी आहे कोल्ड स्टोरेज मां सी फूड ईंदो आहे शोरूम मां लेटेस्ट इम्पोर्टेड कपिड़ा फर्नीचर मिलंदो आहे ऐं कपिड़ा कपड़ा त ड्राई क्लीन थींदा आहिनि फैशन स्टोर मां डिज़ाइनर कपड़ा ख़रीदबा आहिनि जूता बि ऑनलाइन मिली वेंदा आहिनि जानवर उहे त रुगो एनिमेशन फिल्मुनि में हूंदा आहिनि ऐं जानवर उहे त रुगो एनिमेशन फिल्मुनि में हूंदा आहिनि ॿारनि जी शिकिलियुनि ते नज़र ईंदड़ अजब ॿारनि जी शिकिलियुनि ते नज़र ईंदड़ अजब हिन संग्रहालय खे वधीक काराए थो पढ़ाए अॼु जा ॿार स्मार्ट आहिनि अॼु जा ॿार स्मार्ट आहिनि हाणे संदनि स्कूलनि में स्मार्ट क्लासिस आहिनि अच्छा रंग बिरंगी चौक बोर्ड ऐं काठ वारा डस्टर पुराणी ॻाल्हि थी विया अच्छा रंग बिरंगी चौक बोर्ड ऐं काठ वारा डस्टर पुराणी ॻाल्हि थी विया कुझु सालनि खां पोइ म्यूज़ियम जे नए सेक्शन में चौक बोर्ड ऐं डस्टर सां गॾु कुंड में शायद मास्टर लाइफ जॻह हुई कुझु सालनि खां पोइ म्यूज़ियम जे नए सेक्शन में चौक बोर्ड ऐं डस्टर सां गॾु कुंड में शायद मास्टरनि लाइफ जॻह हूंदी शायद मास्टरनि लाइ बि उहा ई जॻह बाक़ी बचंदी जीवन और मनगत की बहुत सारी भावनाओं से उत्प्रोत आपकी कविताएं सुनने को मिली भारती जी और अब मैं
अगले कवि के रूप में कानियो सेवानी जी को आमंत्रित करता हूँ कविता पाठ के लिए। आप का एक कविता संग्रह जो है प्रकाशनाधीन है और आप सिंधी कवि सम्मेलनों में निरंतर कई वर्षों से पाठ करते रहे हैं। आपकी कविताएं आकाशवाणी भोपाल से भी प्रसारित हुई है। मैं तानियो सेवाणी जी से निवेदन करूंगा कि आपकी कुछ कविताएं गीत गजल जो भी आप पढ़ना चाहें। जी धन्यवाद आपका, आपको ओम जी को मेरा नमस्कार और साथी मित्रों को भी मेरा नमस्कार। अकादमी जो जय मुख सुण मोकनोी रचनाओं पेश कर सामूँ रचनाओं की पढ़ी रो आया ध्यान चाहिए सब का पैरी एक नज्म सामू पेश जी। रोज रोज दलालन जा फोन, रोज रोज दलालन जा फोन, साईं ये जमीन मुझे हथ में आ, साईं हुआ जमीन मुझे हथ में आ, ताके खपे। रोज रोज दलालन जा फोन, साईं ये जमीन मुझे हथ में आ, साईं हुआ जमीन मुझे हथ में आ, ताके खपे। मां तंग थी पियुस, एक दिन मु दलालन के फोन कयो, एक दिन मु दलालन के फोन कयो, असन जे वडन जी जमीन जदे ताजे हथ में अचे त बुधाए जो। वाह, ओ दिन अजो को दिन वरी के दलाल फोन ना आयो, ओ दिन अजो को दिन वरी के दलाल फोन ना आयो। ए इने का पो जका मजी रचना है जे कोरोना जी जका दिक्कत हरी सही आ तो उने ते मतलब आजमाई कई आ के पंक्ति लिखियो ना खैर सही आ। बंद बाजारों शहर सजे में बीठल कारू जे में घर का बाहर जेके निकरन निकरन खाइन मारू शहर सजे में घर का बाहर जेके निकरन खाइन मारू शहर सजे में सबनी जू का जे में ने का वो गजल जी। अच्छा ताने सामू ईशा अच्छा हथन के हलाए हलाए थकासी हथन के हलाए हलाए थकासी टंगुन के डुकाए डुकाए थकासी हथन के हलाए हलाए थकासी टंगुन के डुकाए डुकाए थकासी रही सूह आहे असा में न सागी रही सूह आहे असा में न सागी बदन के सजाए सजाए थकासी रही सूह आहे असा में न सागी बदन के सजाए सजाए थकासी असा लाए कदे की इन आई दियारी असा लाए कदे की न आई दियारी ए दीपक जले थकासी असला कदे आसी घणोई असान जे नसीबन हो पातो घणोई असान जे नसीबन हो पातो हथन सा लुटाए लुटाए थकासी थकासी। गजल जो इशारा रुनो सी घणोई अकेले में वेही रुनो सी घणोई अकेले में वेही सबन के खिलाए खिलाए थकासी रुनो सी घणोई अकेले में वेही सबन के खिलाए खिलाए थकासी कयूं कोशिशूं पर मिली कान दिलड़ी कयूं कोशिशूं पर मिली कान दिलड़ी हथन के मिलाए मिलाए थकासी कोशिशूं पर मिली कान दिलड़ी हथन के मिलाए मिलाए थकासी गजल जो आखिर शेर छा तो चाहे न भगवान आयो असांजे अंगण में न भगवान आयो असांजे अंगण में कथाऊं कराए कराए थकासी। वाह
न भगवान आयो असांजे अंगण में कथाऊं कराए कराए थकासी हथन के हलाए हलाए थकासी कंगुन के डुकाए डुकाए थकासी थकासी वाह नेगाव हो गजल ताने सामू आ यो के खुद तमाम घणो पसंद आ किथे मुशायरो थिनो यो मैं जरूर पढ़ने कोशिश कंदो या नई जगह ते जी सर जी सर बड़ी है गजल ही सही बची खुशी आहे किथे बची खुशी आहे किथे रही खुशी आहे किथे पेर रुगो गोला में पेर रुगो गोला में लधी खुशी आहे किथे आहे किथे हां पेर रुगो गोला लधी खुशी आहे किथे नालो कुछ बुदल बुदल भारती जी 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 नालो कुछ बुदल बुदल डिठी खुशी आए किथे नालो कुछ बुदल बुदल डिठी खुशी आए किथे गजल शेर चातो चवे मिले जदें टुकरन में मिले जदें टुकरन में सजी खुशी खुशी आए किथे आए किथे मिले मिले जदें टुकरन में सजी खुशी आए किथे अचे फकत दर ताई अचे फकत दर ताई टिकी खुशी आए किथे अच्छे फकत धर ताई टिकी खुशी आए किथे राजेश साईं गजल जो ही शेर ध्यान चाहिंदस साईं साईं दुनिया चरी खुशी लाए दुनिया चरी खुशी लाए चरी खुशी आए चरी खुशी आए वही वही दुनिया चरी खुशी लाए चरी खुशी आए किथे बची खुशी आए किथे रही खुशी आए किथे वाह वाह आखिर में एकड़ो तरन में गजल ताने सामू राजेश साईं जेको तां के पसंद आ हां हां जरूर जरूर वो तरन में ताने सामू गजल पेश कर रहा हूं हां हां गजल ही आए अकेलो रहण अज सुठो थो लगे जपन के सुबण अज सुठो थो लगे अकेलो रहण अज सुठो थो लगे जपन के सुबण अज सुठो थो लगे कुछ की न सगबो कई थम खता कुछ की न सगबो कई थम खता अंदर में लुछण अज सुठो थो लगे जपन के सुबण अज सुठो थो लगे उधारन परन सा उडामी डिठो उधारन परन सा उडामी डिठो जमी ते लहण अज सुठो थो लगे उधारन परन सा उडामी डिठो उधारन परन सा उडामी डिठो जमी ते लहण अज सुठो थो लगे जपन के सुबण अज सुठो थो लगे मनी गाल दिल जी टिका तो खणी मनी गाल दिल जी
टिका तो खणी अमा जो अंगण वज मनी गाल दिल जी टिका तो खणी मनी गाल दिल जी टिका तो खणी अमा जो अंगण अज सुठो तो लगे अमा जो अंगण अज सुठो तो लगे गजल जे आखिरी शेर छा तो चए जी मरण में मिले थी खुदाई खुशी मरण में मिले थी खुदाई खुशी खुशीअ में मरण अॼु सुठो थो लॻे मरण में मिले थी खुदाई खुशी खुशीअ में मरण अॼु सुठो थो लॻे अकेलो रहण अॼु सुठो थो लॻे चपन खे सुबण अॼु सुठो थो बहुत बहुत धन्यवाद कान्या सेवानी जी तहत और तरन्नुम दोनों में आपने सिंधी गजल का बहुत खूबसूरत पाठ किया और बहुत बेहतरीन गजलें आपने पढ़ी है। अब इस कविता पाठ में मैं राजेश असुदानी जी से निवेदन करूंगा। आप सिंधी भाषा के वरिष्ठ रचनाकार हैं और आपको न केवल सिंधी साहित्य बल्कि विश्व की विभिन्न भाषाओं के साहित्य पर आपकी अच्छा अध्ययन और अच्छी चिंतनशीलता आपके वक्तव्यों में सदा सुनने को मिली है। मैं नागपुर से जो हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में राजेश असुदानी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी कुछ तो गजलों का पाठ करें। राजेश असुदानी स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया ओम भाव दोस्तों मां राजेश असुदानी रकीब तहां जे अॻियां पहिरियों भेरो इन ऑनलाइन कवि गोष्ठीअ में साहित्य अकादमीअ पारां आयोजित कुझु हाज़िर करण जी कोशिशि कयां थो। हाणे थोरा ॿ टे महीना पहिरियां जेकर नाले सां हिकिड़ो मजमूओ बि शाया थियो आहे त इजाज़त चाहियां थो त शुरूआति कयां हिकु आज़ादु रचना खां शुरूआति कयां थो। जी 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 स्वागत आहे साईं। इन आज़ादु रचना जो उनवान आहे फैंसी ड्रेस। फैंसी ड्रेस ॾिस जो नंदीअ मां निकिरी नंगी नींगर नंदीअ मां निकिरी नंगी नींगर ढके हथनि सां लॼ खे पंहिंजी अचरज मां थी हित हित ॻोल्हे हेॾां होॾां हेॾां होॾां कोन्हनि जाइ ते कपिड़ा मुंहिंजा कोन्हनि कपिड़ा जाइ ते मुंहिंजा केर खणी वियो कपड़ा मुंहिंजा मुंहिंजा वस्त्र कंहिं चोराया नंदीअ मां निकिरी नंगी नींगर ढके हथनि सां लॼ खे पंहिंजी अचरज मां थी हिते हुते ॻोल्हे हेॾां होॾां हेॾां होॾां कोन्हनि कपड़ा जाइ ते पंहिंजी केर खणी वियो कपड़ा मुंहिंजा मुंहिंजा वस्त्र कंहिं चोराया गोरधन धारी चीच जा मालिक वण ते वेही माणी पियो थो गोरधन धारी चीच जा मालिक वण ते वेही माणी पियो थो नज़रुनि सां तूं जिस्म खे गोरधन धारी चीच जा मालिक वण ते वेही माणी पियो थो नज़रुनि सां तूं जिस्म खे मुंहिंजे जल देवता जो मान घटियो आहे जल देवता जो मान घटियो आहे खेस मां बाॾायां तो साम्हूं हथड़ा जोड़े निपट उघाड़ी जल देवता जो मान घटियो आहे खेस मां बाॾायां तो साम्हूं हथड़ा जोड़े निपट उघाड़ी गोरधन धारी चीच जा मालिक मोटा एॾे वस्त्र मुंहिंजा गोरधन धारी चीच जा मालिक मोटा एॾे वस्त्र मुंहिंजा केॾियूं बाॾाइन थियूं तोखे केॾिन जा था खसजन कपड़ा अलाज कंहिंजा मान घटण ते केॾियूं बाॾाइन थियूं तोखे केॾिन जा था खसजन कपड़ा अलाज कंहिंजा मान घटण ते मोटा एॾे वस्त्र तिंजा
मोटा एडे वस्त्र तिंजा गोर्धन धारी चीच जा मालिक डिस्मू हथड़ा जोड़े छड़िया गोर्धन धारी चीच जा मालिक डिस्मू हथड़ा जोड़े छड़िया जर्द जजन जा चेहरा थी व्या घिंटी अस खुद वगी अचानक छले छोकर के पासी रोकियों जर्द जजन जा चेहरा थी व्या घिंटी अस खुद वगी अचानक छले छोकर के पासी रोकियों डायरी में पो नोट मिलियो आ डायरी में पो नोट मिलियो आ कहड़ा वाहियात ख्याली आयो सोचे समझी बारन के चौ छा ठहन था फैंसी ड्रेस में फैंसी ड्रेस आ अंड्रेस ना है फैंसी ड्रेस आ अंड्रेस ना है मैडम सांची सुभात मिल जो या थी सही आजाद रचना। एक कविता और पढ़ दीजिए राजेश जी क्योंकि तीन से चार मिनट का समय हमारे पास है। जी जी तो एक नंढड़ो गजल पेश किया तो नंढड़ा नंढड़ा लाश दिखा खबर नंढड़ा नंढड़ा लाश नंढड़ा नंढड़ा लाश दिखा थव नंढड़ा नंढड़ा लाश सुपनन जा कहकाव बुधा थव नंढड़ा नंढड़ा लाश सुपनन जा कहकाव बुधा थव नंढड़ा नंढड़ा लाश छोकर बसमा तिरकी पई ए चक्कन हेठा चू वाक्या इहड़ा बे बिथिया थव नंढड़ा नंढड़ा लाश वाक्या इहड़ा बे बिथिया थव नंढड़ा नंढड़ा लाश मस्त हवा थी नचे अंगण में खेन वड़ा टिबकन भारती जी दिसजो मस्त हवा थी नचे अंगण में खेन वड़ा टिबकन दफन कबर में हेठ पिया थव नंढड़ा नंढड़ा लाश दफन कबर में हेठ पिया थव नंढड़ा नंढड़ा लाश शिवानी भाव साहब शेर दिसजो जी 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 सही तिडड़ी हसरत आखिरी लोली अणसमझल एक लफ्ज तिडड़ी हसरत आखिरी लोली अणसमझल एक लफ्ज बटरे ये ही वार खुथा थव नंढड़ा नंढड़ा लाश बटरे ये ही वार खुथा थव नंढड़ा नंढड़ा लाश कहड़ो भगवन छाजो भगवन छा थींदो आ यार कहड़ो भगवन छाजो भगवन छा थींदो आ यार बूझो जे हे सवाल सुठा थव नंढड़ा नंढड़ा लाश बूझो जे हे सवाल सुठा थव नंढड़ा नंढड़ा लाश चपड़ा चुमंदे हथड़ा उघंदे ऐं घुमंदे फिरंदे चपड़ा चुमंदे हथड़ा उघंदे ऐं घुमंदे फिरंदे एडा होधा दिसो किरिया थव नंढड़ा नंढड़ा लाश नंढड़ा नंढड़ा लाश दिथा थव नंढड़ा नंढड़ा लाश सुपनन जा कहकाव बुधा थव नंढड़ा नंढड़ा लाश मुझे ख्याल सा टाइम पूरो तो थे न त अजा एकड़ी तरन्नुम में गजल हो पर तरन्नुम हो बुधा सको राजेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आपने शरीन सुंदर को और भावभोज की कविताएं पढ़ी है और कन्हैया सेवाणी जी ने गजलों के माध्यम से और भारती सदा रंगाणी जी ने अपनी कविताओं से बहुत इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आप सभी राजेश असुदानी जी कानियो सेवाणी जी और भारती सदा रंगाणी जी का आभार व्यक्त करता हूँ साहित्य अकादमी की इस विशेष वेब लाइन साहित्य सीरीज जो हमने शुरू की है उसका ये सिलसिला निरंतर आगे भी जारी रहेगा और अब इस मंच के माध्यम से श्रोताओं से भाषा साहित्य प्रेमियों से रूबरू होते रहेंगे। आप सब ने समय निकाला साहित्य अकादमी के लिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार शुक्रिया धन्यवाद।